नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस के इलेक्ट्रिकल चैनल में। दोस्तों दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपका ओवरलोड जो रिले होती है वो हम कैसे लगाएं, कितने की हमें रिक्वायरमेंट है मोटर के अंदर। आज दोस्तों मैं वही आपको बताने वाला हूं। दोस्तों अगर मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी मैं नया वीडियो डालूँ आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहे दोस्तों। और दोस्तों बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा, दोस्तों मैंने इससे पहले एक कॉन्ट्रैक्टर के बारे में, कॉन्ट्रैक्टर कितने के कॉन्ट्रैक्टर लगेगा मोटर के अंदर, उसकी साइज़ कितनी, साइज़ का कितना एम्पीयर का मोटर, कितना कॉन्ट्रैक्टर लगेगा मैंने आपको बताया दोस्तों। तो जिसने भी मेरा अभी वीडियो नहीं देखा वो कृपया जाके देख ली दोस्तों, और आज मैं बता रहा हूँ आपको रिले के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं बता दूँगा आपको, हमारी जो मोटर होती है, हमें मान के चलते हैं हमारे पास 10 किलोवाट की मोटर है, ठीक है। और इसका वोल्टेज 415 वोल्टेज है, पीएफ उसका पावर फैक्टर 0.85 है, एफिशिएंसी 90% है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों हम क्या करेंगे, हमारी जो मोटर होती है दोस्तों, जो मोटर होती है उसमें रिले हम क्यों लगाते हैं दोस्तों। रिले लगाने का हमारा पर्पज़ होता है दोस्तों, जैसे हमारा ये रिले है दोस्तों, ठीक है, हम उसको मोटर में लगाते हैं। वो हम मोटर में क्यों लगाते हैं दोस्तों, वो हमारा यही कारण होता है कि हमारे जो भी करंट आता है तो हमारे जो मोटर में जो भी मोटर को प्रोटेक्शन करने का काम करती है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों कैसे करती है, हमारी जो रिले होती है दोस्तों, अगर हमारी जैसे मोटर और लोड पे चले तो हमारी मोटर ट्रिप मार जानी चाहिए। तो जैसे हमारी मोटर ट्रिप मारेगी तो हमारे प्रोटेक्शन का काम करेगी दोस्तों, इसलिए हम रिले का यूज़ करते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों रिले हमारी मोटर को प्रोटेक्शन देता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारी रिले का प्रोटेक्शन देता है तो और हमारे इसमें क्या होता है, जो हमारे ओवरलोड जो रिले होती है दोस्तों वो फिक्स नहीं होती, मतलब कि उसका जो हम इसे सेट करते हैं उसको फिक्स नहीं होती, हमें इसको सेट करना पड़ता है हमारे अकॉर्डिंग करंट के, ठीक है दोस्तों। दोस्तों और हमारी जो मोटर की जो नेम प्लेट होती है आपने देखा होगा, उस पर फुल लोड करंट होता है लिखा होगा। अगर आपको बाय द वे वहाँ पर नहीं लिखा हुआ तो आप निकालते हैं फुल लोड करंट, क्योंकि हमें मोटर का फुल लोड करंट ज्ञात होना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें एक को फॉर्मूला होता है हमें फुल लोड करंट का निकालने का, ठीक है दोस्तों। ये पावर का है जो √3 करंट इंटू वोल्टेज इंटू cos5 इंटू इफिशियंसी, ठीक है दोस्तों। तो हमें अभी करंट याद करना है, उसके लिए हमें इसका पावर पावर हमारा वाट में होना चाहिए दोस्तों, फिर हमें √3 में इंटू वोल्टेज इंटू cos, मतलब कि हमारा जो पावर फैक्टर है, हमें पावर फैक्टर इंटू इफिशियंसी, इस इफिशियंसी का हमारा क्या होगी, एक्यूरेसी आएगी दोस्तों। तो हमें इसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 10 किलोवाट की मोटर है दोस्तों, तो मोटर है तो हम इसको किलोवाट में, सॉरी किलोवाट में हमारा 10 किलो मोटर है, हमें इसको वाट में कन्वर्ट करना है इसको। तो हम करेंगे 10 × इसमें 1000 का भाग, 1000 का हम भाग इसलिए देंगे, हमें पता है कि 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट होते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो वैसे हम इसको हमें इसमें भाग दे देंगे, तो कितना हमारे ये दवा दे दिया, हमारे √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है दोस्तों। फिर इंटू वोल्टेज हमारा 415 है, इंटू cos हमारा जो पावर फैक्टर 0.85 है दोस्तों, फिर इंटू इफिशियंसी हमारी होती है 90%, 90% को हम अगर पॉइंट में निकालेंगे, मतलब कि 90% / 100, तो हमारा 0.9 आता है, तो हमें 0.9, ठीक है दोस्तों। हम इसको अगर सोल्व करेंगे तो हमारी जो आएगी यहाँ पे 10000 / इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा दोस्तों 549.86, ठीक है। अगर हम इसको सोल्व कर लेते हैं दोस्तों, इसको सोल्व करने पे तो दोस्तों हमारी इसकी वैल्यू आई 18.18, ठीक है। ये हमारा इसका हो गया फुल लोड करंट, हमें फुल लोड करंट करना था, हमारी फुल लोड करंट हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हमारा मोटर का फुल लोड करंट तो हमारे हमने ज्ञात कर लिया है, ठीक है दोस्तों।
दोस्तों अगर मैं आपको पिछले वीडियो में आपको ट्रिक बताया था और अभी मैं आपको बता दूं, अगर क्या होता है, हमें क्या होता है कि जैसे कहीं इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन किया जाता है तो हमें फटाफट उसको जवाब देना पड़ता है, तो उसके लिए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ दोस्तों कि आपको किलोवाट का फ्लो करंट क्या होगा और एचपी का किलोवाट है एचपी का फ्लो करंट क्या होगा। जैसे मान लो 10 किलोवाट की मोटर है, ठीक है, उसका शॉर्ट ट्रिक है निकालने का। तो आप क्या करेंगे, 10 × 1.7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 17 एम्पियर आ गया। दोस्तों एक्यूरेसी नहीं आएगी इसमें क्योंकि ये अकॉर्डिंग वोल्टेज के अकॉर्डिंग होता है। जैसे वोल्टेज ज़्यादा कम होता है उस वजह से हमारी एक्यूरेसी नहीं आती इसमें, ठीक है दोस्तों, हमारा 17 एम्पियर होगा। और जैसे मान लो 10 HP की मोटर हुई तो हमारा 10 × करेंगे 1.3 से तो हो गए 13 एम्पियर, ठीक है दोस्तों। ये एक ट्रिक है दोस्तों, आपको इंटरव्यू में अब काम आने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा ये फुल रोड करंट आ गया, हमें क्या करना है, अब हमें इसका रिले ज्ञात करनी है। रिले कितने की हम इसमें सेट करेंगे, कितने की लगेगी, ठीक है दोस्तों। उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए मतलब कि हम क्या करते हैं कि जैसे फुल लोड करंट का प्लस माइनस 20% हम इसका निकालेंगे। तो हमारा जो फुल लोड करंट क्या था, 18 मान चलते हैं, ठीक है, इसको प्लस माइनस 20% हमको निकालना है। तो हम इसको निकाल लेते हैं दोस्तों, तो वहाँ 18 का 20% अपना आया 3.6, ये हमारा 20% आ गया, ठीक है दोस्तों, 18 एम्पियर का, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें ये हमारा रिले सेट नहीं करना है दोस्तों, इसके लिए हम क्या करेंगे मैं बता दूँ आपको। तो हमारा जो फुल रोड करंट होता है जैसे 18 हो गया, ठीक है, तो इसमें हम माइनस करेंगे 3.6, हमारा कितना आता है हम देख लेते हैं एक बार दोस्तों, हमारा आया 14.4, ठीक है दोस्तों। और वैस एक बार क्या करेंगे हम, 18 + 3.6 करेंगे, इसका क्या आएगा, इसका देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों इसका आएगा 21.6। तो हमारी जो रिले लगेगी दोस्तों, हमारे इन दोनों के बीच की रिले हमारी लगेगी, मतलब कि ओवरलोड रिले जो लगेगी हमारी इन दोनों के बीच की लगेगी, ठीक है। जैसे मान लो 15 से 21 या 22 एम्पियर ये हमें रिले यहाँ पे सेट करनी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।